गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम. ठीक हो ना आप सभी? ठीक है, आपको ऐसे ही घर पे रहना है और वीडियो के थ्रू पढ़ना है. अब तो मैडम भी पढ़ाने आ रही है ना आपको घर पे इस वीडियो के थ्रू, तो आपको घर पे रह के पढ़ना है. ठीक है, और घर में रहना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट. सो बेटा, टुडेज टॉपिक इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा था. ओके, नाउ टेल मी, इंडियन सिस्टम में क्या होता है? कॉमास कैसे लगाते हैं हम इंडियन सिस्टम में? 3, 2, 2 का कंसेप्ट रहता है. क्यों रहता है? क्योंकि फर्स्ट जो 3 होता है, वंस, उसमें कितनी प्लेस वैल्यू होती है? वंस, टेंस और 100. तो इसलिए स्टार्टिंग की 3 डिजिट में जो नंबर रहते हैं उसके बाद कॉमा लगता है. ठीक है, उसके बाद 2, 2, 2 पे कॉमा लगता है. क्यों? क्योंकि वंस प्लेस, फिर 1000 प्लेस में क्या आता है बेटा? 1000 और 10,000. ठीक है, तो इस मैनर में. और फिर लैख में क्या हो जाता है? 1 लैख और 10 लैख. क्रोर में क्या हो जाता है? 1 करोर, 10 करोर. सो ऑन दिस बेसिस हम जो कॉमास पुट करते हैं, क्या सीखेंगे इंटरनेशनल में? नया इंटरनेशनल में आप वंस, मिलियंस, बिलियंस, ये सब सीखेंगे अब हम. ओके, तो देखते हैं कि दोनों आपस में कैसे एक दूसरे को कैसे मैच करती है. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो स्टूडेंट्स, एट पेज नंबर 18 पे अब आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम हमने पढ़ लिया है. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम में जैसा कि मैम ने आपको अभी बताया इंट्रो में, वंस, थाउजेंड और मिलियंस, मिलियंस और बिलियन की बातें होगी. तो अभी हम सिर्फ मिलियंस, मिलियंस की बात क्या आ जाएगा बेटा? बिलियन. फिर बिलियन की बात क्या आएगा? ट्रिलियन. तो इस मैनर में हमें पढ़ना है. तो देखते हैं यहाँ पे वंस. इंडियन में क्या होता है वंस में? वंस, टेंस और हंड्रेड. इंडियन में भी सेम आता है. आता है, यस. देन इसके बाद क्या हो जाता है इंडियन में? थाउजेंड आता है. और क्या होता है थाउजेंड में? 1000 और 10,000. फिर लेकिन यहाँ पे थाउजेंड में क्या है? 1000, 10,000 एंड 100,000. ओके, फिर मिलियन. मिलियन में क्या है? 1 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. ओके, सो कहीं ऐसा होता है, ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती है जहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको. ठीक है, तो इंडियन तो हमने पढ़ लिया, वो हमें समझ में आता है, लेकिन हमें इंटरनेशनल भी तो जानना होगा. तो इंटरनेशनल जानने के लिए ही हमने ये चार्ट समझा. वंस, थाउजेंड और मिलियंस. वंस में कितनी है प्लेस वैल्यू? 1, 2, 3. थाउजेंड में कितनी है? 1, 2, 3. और मिलियंस में कितनी है? 1, 2, 3. तो बेटा मुझे बताओ, कॉमा कैसे पुट करेंगे हम? कॉमा कैसे लगेगा? यस, 3, 3, 3 नंबर्स के बाद हमें कॉमा पुट करना है. जैसे सपोज मान लो यहाँ पर ये नंबर दिख रहा है आपको. ठीक है, नंबर दिख रहा है. अब इसमें कॉमा अगर आपको पुट करने के लिए बोलेंगे तो आप कैसे करोगे? वन स्टैंड 100, 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 1, 2, 3, 3 के बाद कॉमा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो पीरियड है आपका, ये पीरियड्स होते हैं ना, वंस, थाउजेंड, मिलियंस, तो ये जो एक पीरियड है आपका वो कितनी प्लेस वैल्यू को कंटेन कर रहा है? वंस, टेंस, हंड्रेड. थाउजेंड कितने को कर रहा है कंटेन? वंस, 1000, 10,000, फिर 100,000. अगेन 3 प्लेसेस को कंटेन कर रहा है. मिलियन भी किसको रख रहा है? 3 प्लेसेस को कंटेन कर रहा है. सो 3, 3, 3, 3 का कंसेप्ट चल रहा है ना. तो कॉमा भी कैसे पुट करेंगे हम? 3, 3 नंबर्स के बाद. ठीक है, कॉमा पुट करना पीरियड, ये पीरियड्स, ये जो हो पीरियड्स होते हैं ना, इस पर डिपेंड करता है कि एक पीरियड में आपके पास जितनी प्लेस वैल्यू होगी आप उसी के अकॉर्डिंग कॉमास को पुट करेंगे. ओके, नाउ हम इसको रीड क्या करेंगे बेटा? अभी नंबर है यहाँ पर 25. ठीक है, तो अभी इसको कैसे रीड करेंगे? तो हमें इसको रीड करना है, तो सबसे पहले आप इंडियन सिस्टम में मुझे रीड करके बताओ. चलो रीड करो. ओके, नाउ इंडियन में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 नंबर्स हैं टोटल. तो 8 नंबर्स हैं मीन्स करोर, मुझे पता होना चाहिए 8 नंबर है तो करोर. ओके, सो 2,56,78,230. में हमने अभी रीड किया, अब है बारी इंटरनेशनल की. तो इंटरनेशनल में आप क्या करेंगे? लेट्स सी, ये आपको चार्ट अभी एक्सप्लेन किया है हमने. ठीक है, अभी समझा है इसको.
वंस में थ्री हैं, थाउजेंड में थ्री हैं, मिलियंस में थ्री हैं. सो लेट्स सी, 25 मिलियन, 6, अब थाउजेंड में तो यहाँ पे थ्री डिजिट आ रही है ना थाउजेंड में, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 25,600,000, यहाँ पे दिख रहा है आपको 100, ये 100, 78,000, 200, अगेन 2 कहाँ जा रहा है, ये 100 वाले प्लेस पे है, तो 231, ओके, 25,600,000, 78,000, 231, ओके. सो हियर यू कैन सी इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी यूज 9 डिजिट्स इन 3 डिफरेंट पीरियड्स. ओके, 3 डिफरेंट पीरियड कौन से हो गए, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस, 9 नंबर्स हो गए ना, क्योंकि एक पीरियड में कितने प्लेस वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है, फिर एक में कितनी आ रही है, 3, फिर एक में 3, तो 9 डिजिट्स हो गए. तो ये पीरियड कौन से हो गए बेटा, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स, अभी आपको इंडियन भी आ गया और इंटरनेशनल भी आ गया, तो अब हम एक कंपेयर, यानी कि दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस रहते हैं. ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 19. नाउ हियर अब हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हमें इंडियन भी पता चल गया है और इंटरनेशनल भी पता चल गया है. इंडियन में क्या होता है, इंडियन में कितने पीरियड्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, और इंटरनेशनल में 1, 2, 3. ओके, नाउ अब वंस, जो फर्स्ट पीरियड है बेटा, वो दोनों में आप देख रहे होंगे कि सेम है, वंस टेंस हंड्रेड, दोनों ही पीरियड में, इंडियन और इंटरनेशनल में ये सेम है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पीरियड में है थाउजेंड, इंडियन में थाउजेंड, 1,000 and 10,000. ओके, बट अभी हमने इंटरनेशनल में क्या देखा कि थाउजेंड में कितने पीरियड होते हैं, 3 पीरियड्स, यानी कि 3 प्लेस वैल्यू. थाउजेंड जो पीरियड है, इसमें कितनी प्लेस वैल्यू होगी, 3 होगी, किसमें, इंटरनेशनल में, और इंडियन में 2. सबसे इजी तरीका ये है कि जो इंटरनेशनल है इसमें 3-3 के पीरियड्स होंगे, और जो इंडियन का है उसमें क्या होगा, 3-2-2-2-2. ओके, 3 उसके बाद 2-2 का कॉन्सेप्ट चलेगा. ओके, नाउ थाउजेंड में क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे जो इंडिया का थाउजेंड है उसमें केवल 2 प्लेस वैल्यू है, और जो इंटरनेशनल है उसमें 3 है, 1,000, 10,000 and 100,000. ठीक है, नाउ फिर लैख, थाउजेंड के बाद क्या आता है, लैख. अब लैख में क्या है बेटा, 2 पीरियड होंगे, लैख जो पीरियड है उसमें प्लेस वैल्यू कितनी होगी, कितनी प्लेसेस रख रहा है लैख, 2 प्लेस को है, 2 प्लेस रख रहा है, 1 lakh and 10 lakh. ठीक है, 1 lakh and 10 lakh. अब जो मिलियन, यानी कि आप देख रहे होंगे 1 lakh जो है, 1 lakh इज इक्वल्स टू 100,000. फिर 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million. 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million. नाउ लैख के बाद क्या आता है, करोर आता है. करोर में कितने होंगे, 2, 1 crore and 10 crore. फिर आता है मिलियन. अब मिलियन में 3 पीरियड्स कौन कौन से हैं, 1 million, 10 million, 100 million. मीन्स आप देख रहे होंगे, तो 1 stands 100, फिर 1 10 100, 1 10 100, ऐसा कंसेप्ट चल रहा है. ठीक है, तो मिलियन में 3 प्लेसेस हैं, 1 million, 10 million and 100 million. सो बेटा 100 million इज इक्वल्स टू 10 crore. 10 crore में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 9. ठीक है, 1 crore में 8. ठीक है, 1 crore इज इक्वल्स टू 10 million. 10 million एंड 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million. 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million. ओके, नाउ केवल आपको सिमिलरिटी क्या मिली होगी बेटा, सिमिलर देखने को सिर्फ वंस प्लेस जो है ना, केवल ये सिमिलर है, बाकी उसके बाद दोनों ही अलग है. थाउजेंड में यहाँ पे 2 प्लेस है, थाउजेंड में यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं. फिर लैख में भी 2 प्लेसेस हैं, बट यहाँ पे मिलियन में 3 प्लेसेस हैं. ठीक है, ओवरऑल जो पीरियड है, इंटरनेशनल में 3 पीरियड चाहिए होते हैं हमें, और इंडियन में 4 पीरियड्स हैं यहाँ पे. हियर वंस, टेंस, हंड्रेड सेम टू सेम है, देन 1,000, 1,000 यहाँ भी है,
10,000 यहाँ भी है, बट चेंजेस कहाँ से हैं, 1 लाख और यहाँ पे 100,000. सो 10,000 तक तो दोनों में ही सेम होगा. ओके, फिर चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, 10,000 के बाद क्या हो जाता है, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.6. 1.6 हमें सॉल्व करना है. लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में ही करना है, 2 और 3 आपको नोटबुक में करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको नोटबुक में करना है. सो लेट्स सी, 100 मिलियन, 100 मिलियन इज, अब इसमें आपको 100 मिलियन ढूंढना है कि क्या है. सबसे पहले 100 मिलियन में कितने होंगे, मिलियन, मिलियन वाली लाइन में आ गए हम यहाँ पे. 100 मिलियन मीन्स लास्ट वन, यानी कि 10 करोड़. 10 करोड़ में टोटल 9 डिजिट कितनी होती है, 9 टोटल. लेट्स काउंट, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9. नाउ हियर 25, ये जो नंबर है, अब ये क्या है नंबर, इसमें से आपको बताना है. ठीक है, लेट्स सी, हम इसको रीड करके देखते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर 100 के बाद 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम था. ठीक है, 10,000 के बाद आपको क्या पढ़ना है, इसको 100, 100,000, देन ये किस में आ रहा है, 1 मिलियन, और ये 10 मिलियन, मीन्स ये मिलियन तक हम पहुँच गए हैं. तो 25 मिलियन, 25 मिलियन, मिलियन तक पहुँचे ना. देखो यहाँ पे 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, लेकिन हम अभी यहीं तक पहुँचे हैं, 10 मिलियन. ठीक है, तो हम ये क्या पढ़ेंगे इसको, 25 मिलियन. सो हियर नाउ राइट द पीरियड एंड प्लेस फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन. आपको क्या करना है, पीरियड्स बताना है, जो अंडरलाइन है ना डिजिट नंबर उसका पीरियड बताना है सबसे पहले, उसके बाद प्लेस बतानी है कि वो कहाँ पर है. ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें, वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस पे है, तो हंड्रेड प्लेस पे तो कौन से पीरियड में आ रहा है, ये देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, तो हंड्रेड कहाँ आ रहा है, हंड्रेड तो वंस पीरियड के अंदर आ रहा है ना. हंड्रेड कहाँ आ रहा है, वंस प्लेस के अंदर आ रहा है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, वंस, वंस लिखोगे, फिर कॉमा. अब प्लेस बताना है आपको कि कौन सी प्लेस पे है, तो कॉमा लगा के वंस, टेंस और हंड्रेड क्या लिखोगे आप, हंड्रेड. ठीक है, पहले आपको ये लिखना है वंस, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के क्या लिखोगे, हंड्रेड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 के बाद इंटरनेशनल में क्या आता है, 100,000, 100,000 आता है, 100,000. अब 100,000 कौन से पीरियड में है, देखो 100,000 बताओ मुझे, 100,000 कौन से पीरियड में है, 1000 के पीरियड में है, इंटरनेशनल में है ना. 100,000 कहाँ है, 1000 के पीरियड में, तो क्या लिखोगे आप, 1000, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 100,000. ओके, नाउ इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये तो 1000 में ही है, तो कौन से पीरियड में आ रहा है, ये आ रहा है यानी कि फोर्थ नंबर पे. तो देखो 3 नंबर तो इसके हो गए, 4, यानी कि 1000 पीरियड में आ रहा है ये भी. तो इसकी पीरियड कौन सा हो गया, 1000, और प्लेस वैल्यू भी क्या हो गई इसकी, 1000. कैसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड. अब ये नंबर है हमारे पास, इसमें आपको जो अंडरलाइन है इस पर बताना है, आपको क्या बताना है कि ये इसका पीरियड कौन सा है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है. 6 की क्या है बेटा, कौन से पीरियड में आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो हमने लिखा पहले, फिर 1000, देन कॉमा. अब क्या बताना है यहाँ पे, हमको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी कि ये है कहाँ पे. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, देन 1 मिलियन. ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, 1000 में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये 10,000 हो जाएगा. 2 कौन सी प्लेस पे है, 2 10,000 पे, तो ये कहाँ है, 6 1000 पे. ओके, बाकी के जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट और सेकंड वाला है, वो भी आपको ऐसे ही नोटबुक में लिखना है. ओके, नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम. अभी तक इंडियन में लिखा था, अभी इंटरनेशनल में लिखेंगे, यानी कि मिलियन में बात करनी है हमें. ठीक है, और चेंजेस क्या है, 10,000 तक तो सेम है, उसके बाद 100,000, फिर 1 मिलियन, देन 10 मिलियन. ओके, नाउ लेट्स सी, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 3. बेटा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको, देखो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स हैं टोटल, मीन्स 1 crore की बात हो रही है, क्रोर, तो 1 crore इज इक्वल्स टू 10 million, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, 1 crore इज इक्वल्स टू 10 million। अब हम इसको टेबल में समझाते हैं, देन आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल है, हमने नंबर्स लिख लिए, 0, 9, ठीक है, 5, 1, 5, 0, 1, ठीक है। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना बता रही हूँ मैं आपको, 41 कहाँ है, कौन से पीरियड में है, मिलियन के पीरियड में आ रहा है, तो 41 million। फिर यहाँ 100 पे कुछ है क्या, नहीं है, 0 है, तो कुछ नहीं बोलना है, 41 million। 51, अब 51 कहाँ आ रहा है बेटा, 1000 वाले पीरियड में आ रहा है, तो 51000। फिर 500 590 90, मिलियन में आ रहा है 41, दोनों मिलियन में आ रहे हैं, ठीक है, ये 1 million, ये 10 million, दोनों ही मिलियन में आ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, 41 million। अब 1000 की बारी है, तो 1000 में तो ये तो 0 हो गया, नहीं तो हम इसको 100 बोलते अगर कुछ नंबर होता तो, बट है नहीं यहाँ पे, तो 41,51,590, ओके। ऐसे ही आपको नंबर नेम्स लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है ना नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है, ये क्वेश्चन लिखोगे नंबर वन, उसके बाद नंबर नेम्स लिखोगे आप, ये तो मैडम आपको चार्ट के अकॉर्डिंग से पढ़ना सिखा रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन नंबर्स हैं, तो 1 lakh में 6 आता है, तो 10 lakh में 7 आता है, और 7 यहाँ पे देखो आप, 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million, है ना, आपस में दोनों बराबर, 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 million। अब इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं, ये हमने नंबर्स लिखे, ठीक है, अब रीड करना मैम सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 5 किस में आ रहा है, 5 ये देखो मिलियन में आ रहा है, 5 million इंटरनेशनल में, 5 million में आ रहा है। देन 2 किस में आ रहा है बेटा, 100,000 में, 100,000 पे 10,000 की ग्रुप में आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है, तीनों आ रहे हैं, दिख रहा है आपको ये, देन सो क्या पढ़ेंगे हम इसको, 5 million, मिलियन वाले में कितना आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, मिलियन के ग्रुप में 3 होते हैं ना, मिलियन के पीरियड में 3 होते हैं, तो ये मिलियन में क्या आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, तो 5 million 5 million। अब बेटा 2 और 7 किस में आ रहे हैं, 2, 7 और 3 ये तो 1000 में आ रहे हैं, तो कैसे रीड करेंगे हम इसको, 5 million 200 273 73,000, ठीक है। इन तीनों के लिए हमने क्या पढ़ा, पहले तो ये मिलियन के लिए हो गया, 5 million 200 100 है ना यहाँ पे, 273 73,000, ये इतना पूरा हमने इस 1000 के लिए पढ़ा, 1200 8080 8080, ठीक है। क्या पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं, 5 million 200 273 73,000 200 200 200 80 80, ओके। सो इन दैट मैनर यू हैव टू डू, कैसे करोगे थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैडम ने आपको टेबल के थ्रू सिर्फ एक्सप्लेन किया है, आपको ये नंबर लिखना है और फिर इसके नीचे इसका नंबर नेम लिख देना है, कैसे, ऐसे जैसे ये नंबर लिखोगे फिर नीचे क्या है उसका नंबर नेम लिख दोगे इंटरनेशनल में, ओके। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ओके, थैंक यू।